हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा और आज सबके लिए कम्प्लीटली न्यू कोर्स लेके आया हूँ। ये क्रैश कोर्स होने वाला है जिसमें मैं कम्प्लीट तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक लेके आऊंगा। आज यहाँ पर रीमान इंटीग्रल होने वाला है और कम्प्लीट रीमान इंटीग्रल इसी वीडियो में होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन पूरा सब कुछ कराऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक। अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक रोड मैप टाइप बना रखा कि हम क्या क्या करने वाले हैं आज, ताकि तुम्हें ईजी हो जाए कि इस इन चीजों को फॉलो करना। लास्ट टाइम से बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि कुछ क्रैश कोर्स टाइप मुझे कराना चाहिए यहाँ पर चैनल पे, तो ये तुम्हारे सामने क्रैश कोर्स है। सिंगल सिंगल वीडियो में एक टॉपिक करेंगे और एक सिटिंग में ये एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ छोड़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक आज तुम्हारे सामने रीमान इंटीग्रल, जिसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हम करेंगे क्या, हमारा गोल क्या होगा आज, हम करेंगे बेसिक और बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। सबसे पहले सीखेंगे कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, और उस पर सिंपल सिंपल छोटे छोटे एग्जाम्स में सिंपल सिंपल कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, सारी की सारी फॉर्म्स, जितनी भी फॉर्म्स एग्जाम में आ चुके हैं आ सकती हैं, वो सारी फॉर्म्स में तुम्हें कराऊंगा। इसे कहते हैं डिरिचले फंक्शन। ये डिरिचले फंक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, मतलब रीमान इंटीग्रल आ गया तो ये डिरिचले फंक्शन को जरूर पूछता है एग्जाम में। फिर हमारे पास आता है डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब डिसकॉन्टिन्यूटी जो होती है ना, डिफरेंशिएबिलिटी में इतनी काम नहीं करती, लेकिन इंटीग्रेबिलिटी में इसका काम होता है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, बट अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज है वो इंटीग्रेबल होता है। अगर चीजें नहीं समझ आ रही कोई दिक्कत नहीं, अभी धीरे धीरे करेंगे, तो इसलिए हम डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन पर बात करेंगे। उसके पास 22 ऐसी थ्योरम्स बताऊंगा जिसमें से ऑलमोस्ट सारी थ्योरम्स, 22 थ्योरम एज इट इज बिल्कुल एग्जाम में आ चुकी हैं और अभी भी आ रही है, मतलब रिपीट भी होती है 22 थ्योरम्स। मतलब अगर तुम थ्योरम्स भी रट लेते हो, अगर ये रट भी लेते हो तब भी तुम्हारे 2 से 4 क्वेश्चन यहां से निकल जाते हैं अगर किसी एग्जाम में आ रहे हैं तो। फिर हम करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पहले जैम गेट या फिर डीयू सेट ये सारे एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं, और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। फिर अब उसके बाद तुम्हारी टर्न होगी कि जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। ये नहीं मैं कहूंगा कि तुम ये वीडियो देख लो और तुम मास्टर हो जाओगे तुम रीमान इंटीग्रल के, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा किसी भी वीडियो में मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। मेरी वीडियो कभी भी सफिशियंट नहीं होगी कि वो वीडियो देख लो दैट्स इट। उसके बाद तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस है वो डिपेंड करेगी, ठीक है। मैं तुम्हें एक पाथ दे दूंगा कि तुम्हें जिस पर चलना है, बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। बात समझ में आ गई, अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज हमें यहां पर देखनी होगी कि रीमान इंटीग्रल की सबसे पहले तो जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं यहां पर लिखूं रीमान इंटीग्रल और हमारे पास सिंपल इंटीग्रल थे तो रीमान इंटीग्रल की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c होता है। यह हमें पता क्यों होता है, रीजन नहीं पता था, इसलिए रीमान इंटीग्रल है, ठीक है। रीमान एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस पर थ्योरी दी पूरी की पूरी। ये चीजें मैं क्रैश कोर्स में नहीं बताना चाहूंगा डिटेल में, क्या हिस्ट्री थी क्या ये थी, हम सिंपल अपनी मेन चीज पे आते जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो। तो सबसे पहली चीज रीमान इंटीग्रल में हमें जो याद रखनी है वो होती है इंटरवल्स। सबको पता होगी इंटरवल की थ्योरी कि हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज एक होता है ओपन, ये 2 इंटरवल होते हैं। हमारा इस चैप्टर में क्या काम है कि हमें एक ही चीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्लोज इंटरवल होना चाहिए, साथ में वो बाउंडेड इंटरवल होना चाहिए। तो हम यहां पर जब भी रीमान इंटीग्रल की बात करेंगे तो अंडरस्टूड होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि वो कुछ ऐसा इंटरवल होना चाहिए, ऐसा इंटरवल क्लोज प्लस बाउंडेड, इसके बाउंड क्या है भी, तो वो हमारे पास क्लोज इंटरवल होना चाहिए। ये चीज हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए वरना दिक्कत आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले समझ आ गया कि इंटरवल क्या होता है। उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है, दूसरी टर्म, फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकेंड टर्म दिमाग में जो हमें रखनी है वो हमें याद रखनी है पार्टीशन। ध्यान से साथ साथ नोट भी करते रहेंगे पार्टीशन क्या होता है। अब पार्टीशन का मतलब ना तुम ऐसे समझना, वैसे तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ लो कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते थे, तुमने सीखा होगा अपनी 12th क्लास में कि उसको स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर देते थे, स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर देते थे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक रेक्टेंगल को कंसीडर करूं तो इसमें कुछ ये पॉइंट आएगा, मान लो इसको x1 और ये कुछ पॉइंट आएगा x2, सपोज कर लिया इसको x1 x2, तो ये छोटा सा एक इंटरवल बन गया, ये छोटा सा एक इंटरवल बन गया। ऐसे हम अगर a और b को बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं तो यहां पे इसको क्या कहते हैं, स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स। यहां पे इसी चीज को इंटरवल में ब्रेक, इंटरवल को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। पार्ट्स में ब्रेक करना पार्टीशन, मैं बताता हूं कैसे।
एग्जाम्पल्स में और अच्छी तरह समझेंगे, फिलहाल के लिए ऐसे ही समझ लो। सबसे पहले एक्स नोट ए को रिप्रेजेंट करेगा, फिर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, अप टू सो ऑन, जो एक्स एन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बी को। तो हमने ए और बी को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब ये वही चीज है जो हम रेक्टेंगल किसी भी एरिया को रेक्टेंगल्स में ब्रेक करते थे, कोई न्यू चीज नहीं है। बात यहां तक समझ आ गई है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं पार्टीशन का, ताकि क्वेश्चंस करने में इजी हो जाए। जैसे सपोज करो जीरो से लेके वन तक इसके पार्टीशन तुम्हें कहे बनाने के लिए, तो इसके पार्टीशन कैसे बनेंगे? इसके पार्टीशन कुछ ऐसे बनते हैं, जीरो, फिर तुम लिख सकते हो वन बाय एन, ठीक है, फिर तुम लिख सकते हो टू बाय एन, थ्री बाय एन, अप टू सो ऑन एन बाय एन। अब ध्यान से देखो, तो ये हो गया पहला एलिमेंट जीरो, इसको जीरो बाय एन भी लिख सकते थे, और ये हो गया लास्ट एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट जो यहां पे बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप वन है, तो ये आ जाएगा वन। अब इसको बनाए कैसे, कि मेरे को कोई ऐसी जनरल ट्रिक पता लग जाए, एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बता दो कि मैं हमेशा ऐसे कोई भी इंटरवल हो मैं उसके पार्टीशन कर सकूं। जैसे अब मैं तुम्हें दूसरा दिखाता हूं तो तुम एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। देखना वन टू टू, इसके तुम्हें पार्टीशन करने, आप तुम कहोगे वन बाय एन, टू बाय एन, थ्री बाय एन, नहीं कभी टू बनेगा नहीं, इसके पार्टीशन कुछ ऐसे बनेंगे, वन पहला तो वन ही आ जाएगा, दूसरा आएगा वन प्लस वन बाय एन, वन प्लस टू बाय एन, अप टू सो ऑन वन प्लस एन बाय एन, जो कि टू होता है ना, एन बाय एन वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू। ये तो बड़ा अजीब सा आया, क्या करे क्या करे, हमने सोचा तो हमें पता लगा कि इसके एक सिंपल सी ट्रिक हो सकती है, तो यहां पे लिख लेना छोटी सी ट्रिक। वैसे कोई ट्रिक नहीं है, सबको पता भी होगा, इंटीग्रेशन में सबने सीखी होगी, बट यहां पे एज ए ट्रिक उसको याद करके चलेंगे। क्या करो, पार्टीशन कैसे बनाने हैं, इनको माइनस कर दो सबसे पहले, मतलब ऊपर आ जाएगी इंटरवल की लेंथ, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल अपॉन में एन, अपॉन में एन, जितने पार्ट में हमने ब्रेक करना है वो नीचे आ जाएगा। मान लो n में ब्रेक करना तो n नीचे आ जाएगा, 2n पार्ट्स में ब्रेक करना 2n आ जाएगा, जनरली हम n पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या थी, 1 माइनस जीरो अपॉन वन, निकालो 1 माइनस जीरो अपॉन एन, तो 1 बाय, हमने क्या किया 1 बाय एन, 2 बाय एन, 3 बाय एन, नहीं समझ आया? इसको हमने सिंपली क्या किया, जीरो में एड करते रहो, जीरो प्लस वन बाय एन, जीरो प्लस टू बाय एन, जीरो प्लस थ्री बाय एन, अप टू सो ऑन, ऐसे कर। बात समझ में आ गई। अब यहां पे देखो, यहां पे भी सेम ही हमने किया, 2 माइनस वन अपॉन में एन, 2 माइनस वन अपॉन में एन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में एन, 1 प्लस वन अपॉन एन, पहले एलिमेंट में उसको प्लस करते रहो, 1 प्लस 1 बाय एन, 1 प्लस 2 बाय एन, क्योंकि एक और बार 1 बाय एन इसमें ऐड करेंगे तो 2 बाय एन हो जाएगा, अप टू सो ऑन 1 प्लस एन बाय एन, तो 2 हो गया। ऐसे कोई भी इंटरवल अब तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें पार्टीशन बनाने आता है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, स्मॉल सी ट्रिक है कि लेंथ ऑफ इंटरवल डिवाइडेड बाय जितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। बात समझ में आ गई? ये पहले सीखी होगी, मुझे पता है तुमने ऐसे सीखा होगा, बी माइनस ए अपॉन एच टाइप ऐसे सीखी होगी। वही चीज अब यहां पे आ गई है। मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा कि मैं कुछ ऐसे न्यू यहां पे शॉर्ट ट्रिक लेके आया, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुमने पहले सीखी होगी। अब इसको ऐसे याद रखना कि पार्टीशन कैसे बनाते हैं, याद तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज जो तुम्हें सीखनी है ना, वो ये सीखो कि इसमें हम स्मॉल सा एक इसमें जनरल इंटरवल कैसे लेते हैं। देखो क्या होता है कि हम यहां पे एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं, इसमें कहीं ना कहीं पे जाके, जो मैंने ये तुम्हें जनरल इंटरवल लिखा है ये वाला, इसमें कहीं ना कहीं पे जाके ऐसी भी वैल्यू आएगी, आई माइनस वन एक्स आई, ऐसा भी इंटरवल आएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटरवल, स्मॉल इंटरवल, जो कि हमने कहां से लिया इंटरवल, जो कि हमने कहां से लिया, इसी इंटरवल के अंदर से लिया। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसकी लेंथ देखना चाहूं तो वो लेंथ कैसी होगी, अब इसकी लेंथ को ना हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स आई, वो क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस, इस चीज को ध्यान रखना होगा, अगर ये चीज नहीं ध्यान है ना तो दिक्कत हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? हाँ, चलो अब ध्यान से देखना। अब मैं दो और चीजें डिफाइन करने वाला हूं, एक होता है कैपिटल एम आई, एक होता है स्मॉल एम आई। ये हम और एक स्टेप क्लोज चलेगा रीमान इंटीग्रल को डिफाइन करने के लिए, अभी तक रीमान इंटीग्रल आया नहीं है। रीमान इंटीग्रल को डिफाइन करने के लिए भी हमें कुछ टर्म्स आनी चाहिए, जिसमें पहली टर्म हमें मिल गई है डेल्टा एक्स आई, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दूसरी टर्म हमें मिल गई है स्मॉल एम और कैपिटल एम। अब ये डिफाइन कैसे होता है इसको ध्यान से देख लो, वैसे इसकी मैं डेफिनेशन में लिखूंगा जो बुक्स में लिखी होती है, बट हमें उस डेफिनेशन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बट मैं एक बार लिख देता हूं। सो ये हमारे पास होता है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, जहां पे एक्स कहां पे होगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस वन,
इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, एक्स आई से छोटा होगा। मैं इसको यूज करना भी बताऊंगा, ऐसे मेरे को पता है समझ में आने वाले, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, क्वेश्चन कैसे होता है वो मैं अभी बताऊंगा। और ये कैसे डिफाइन होता है, इनफीमम ऑफ एफ एक्स एक्स आई माइनस वन से लेके एक्स आई तक। अब देखो, अब मैं दो चीजें इनको, ये तीन मेरे पास टूल्स हो गए, इन तीन टूल से मैं दो चीजें डिफाइन करने वाला हूं। एक होता है अपर रिमान सम, क्या होता है अपर रिमान सम, एक होता है लोअर रिमान सम, जिसका हमारे पास यूज है, जिससे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि अपर रिमान सम क्या होता है और लोअर रिमान सम क्या होता है। बात समझ आ गई। अपर रिमान सम डिफाइन होता है समेशन ऑफ, जैसे मैंने इंटीग्रल में किया था ना, वो इंटीग्रल में ऐसे एरिया था कुछ भी, तो उसमें ये जो बड़े वाली वैल्यू होती है ना, इस रेक्टेंगल की जो बड़े वाली वैल्यू होती है ये रिप्रेजेंट करती है कैपिटल एम आई, इसी रेक्टेंगल की जो छोटे वाली वैल्यू होती है रिप्रेजेंट करती है स्मॉल एम आई। बात समझ में आ रही, थोड़ा डायग्रामेटिकली भी दिमाग में पिक्चर क्लियर हो तो सही रहता है। अपर रिमान सम कैसे डिफाइन होता है, कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई, तो ये डेफिनेशन होती है वेयर आई इज इक्वल टू वन टू एन, ये होता है अपर रिमान सम। ऐसे लोअर रिमान सम कैसे डिफाइन होता है, आई इज इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम आई कैपिटल सॉरी डेल्टा एक्स आई। तो ये दो चीजें अगर हमारे दिमाग में क्लियर है, और इनको मैं बताऊंगा अभी कि ये एम आई कैसे निकालते हैं, क्योंकि एम आई अगर तुम सोच रहे हो ना, मतलब इससे तो पता ही नहीं चल रहा होगा, अगर कोई प्योर मैथमेटिक्स पहले नहीं पढ़ चुका तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर मान लो तुम्हें कभी एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वन, मान लो ये दिया, इन्होंने कहा है कि कैपिटल एम आई फाइंड आउट करके दिखाओ और स्मॉल एम आई फाइंड आउट करके दिखाओ, इंटरवल तुम्हें दिया हुआ है जीरो से वन, क्या करें, हमने दिमाग लगा, पहले तो इसका पार्टीशन बनाना पड़ता है रिमान सम के लिए। मैं स्टेप्स अभी बताऊंगा रिमान सम कैसे निकालते हैं, पहले इसका पार्टीशन बनाओ। हमने अभी देखा था जीरो, वन बाय एन, टू बाय एन, थ्री बाय एन, अप टू सोन एन बाय एन। अगर मैं इसमें से एक जनरल उठा लूं तो वो बनेगा आई माइनस वन बाय एन और आई बाय एन। तो जब भी तुम्हें कैपिटल एम आई निकालना है तो ये वाली वैल्यू फंक्शन में पुट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, सिंपल है, मैंने उसमें पुट कर दी। अगर तुम्हें कभी भी स्मॉल एम आई निकालना है तो तुम ये वाली वैल्यू फंक्शन में पुट कर दो, आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर प्लस वन, दैट्स इट, हमारे पास आंसर आ गया। स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना, हमें ये दिमाग में होने चाहिए, वरना हमारे आगे के क्वेश्चन नहीं होने वाले, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन आगे करने वाले हैं वो हमारे अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम पे बेस होंगे, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रल भी तुम्हें निकलवाऊंगा ना, अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल, अरे इंटीग्रल तो हमें करना ही नहीं, हमें ये करना है अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम, इंटीग्रल का कोई लेना देना नहीं है इसमें, रिमान इंटीग्रल की जगह अगर हम छोड़ो, उस डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक, बहुत अच्छी बात है। अब हमने दो चीजें डिफाइन कर ली, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हैं। उसको क्वेश्चंस को करने से पहले मैं एक और चीज डिफाइन कर ही देता हूं कि रिमान सम होता, रिमान इंटीग्रल होते क्या। तो जैसे हमारे पास दो रिमान सम होते हैं, वैसे हमारे पास दो रिमान इंटीग्रल भी होते हैं, एक होता है अपर रिमान इंटीग्रल, एक होता है लोअर रिमान इंटीग्रल। अब अपर रिमान इंटीग्रल क्या होता है, अपर रिमान इंटीग्रल को सबसे पहले डिनोट करते हैं कुछ ऐसे ए बी बार, ठीक है, कहीं कहीं यहां पे माइनस भी लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसी भी नोटेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग तुम मतलब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेना। और अपर रिमान सम को ऊपर लिखते हैं, एक बार से डिनोट करते हैं, यहां पे आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सिंपल ये होगी, लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मैं ये वो वाली बुक वाली लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है जो मैंने सीखा अभी तक, दो तीन बार मैंने करा चुका हूं पूरा कंप्लीट सिलेबस, तभी मैं तुम्हें यहां पे करा रहा हूं। तो ये वाली डेफिनेशन तुम ऐसे याद रखना जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, वरना तुम हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। अपर रिमान सम लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्या आ जाएगा, अपर रिमान सम, दैट्स इट, जो भी तुम्हारा अपर रिमान सम आ रहा है उसमें एन अप्रोचेस करा दो इंफिनिटी को, दैट्स इट, वो तुम्हारा अपर रिमान सम आ जाएगा। लोअर रिमान सम को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको निकालने का भी सेम मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड है, लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी लोअर रिमान सम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही था, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। आगे क्या रहेगा, आगे अब इसकी थ्योरम्स रह गई, रिमान सम हमारा पूरा कंप्लीट है, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ भी आया होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ भी आया होगा।
एक आध चीज और है मैं तुम्हें डिफाइन करा देता हूँ, फिर आराम से क्वेश्चंस करेंगे बैठ के, कुछ थ्योरम्स लिखेंगे उसके पे बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे आराम से बैठ के। तो पहले वो तो कुछ चीजें देख लो, एक और चीज है कभी कभी ये डिफाइन हो जाती है, अपर रिमांसम को डिनोट करते हैं कुछ ऐसे। अपर रिमांसम यहां पे लिखते हैं पी कोमा एफ, ये पी का मतलब होता है पार्टीशियन, इसमें जो यूज किया हमने, और एफ का मतलब होता है फंक्शन। मैं कुछ भी छुड़वाना नहीं चाहता था इसलिए ये चीजें भी बतानी पड़ रही है, वैसे इसका ज्यादा इतना कुछ यूज नहीं है। अपर रिमांसम को हम कैसे लिखा करेंगे हमेशा ऐसे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे स्पेस छोड़ा था यू पी एफ, और इसको कैसे लिख सकते हैं एल पी एफ। एल का रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर रिमांसम, पी का रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टीशन, एफ का रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन। बात समझ पा गई यहां तक, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। एक और चीज आती है कभी कभी यूपीएफ माइनस एल पी एफ, इसको हम ऐसे भी लिख रहे हैं एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई, इसको ऑसिलेटरी सम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं ऑसिलेटरी सम। इतना ज्यादा यूज नहीं है इसका, बट फिर भी एक बार कभी पूछ ले तो इसको क्या कहते हैं ऑसिलेटरी सम। ठीक है, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं डब्ल्यू आई डेल्टा एक्स आई, वेयर डब्ल्यू आई रिप्रेजेंट्स दिस डिफरेंस ऑफ दीज टू, इसको ऑसिलेटरी सम कहते हैं। बात समझ में आ गई, हमें सारी ऑलमोस्ट चीजें सीख लिया। एक और चीज सीख लेते हैं फिर इसी में, लास्ट चीज आज की जिसे हमें सीखना है न्यू, उसे कहते हैं रिफाइनमेंट। क्या होती है रिफाइनमेंट? इतने ज्यादा रिफाइनमेंट से क्वेश्चन बनते नहीं है जब तक तुम नेट लेवल तक ना पहुंच जाओ। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अगर तुम पार्टीशन की एक और पार्टीशन कर दो ताकि वो और प्रिसाइज हो जाए, पार्टीशन की एक और पार्टीशन कर दो, मतलब तुमने इसमें एन पार्ट्स किए थे, तुमने एक और बार पार्टीशन कर दी उसके टू एन पार्ट्स कर दिए। ठीक है, मान लो दो कोई गर्ल्स है, एक का नाम है शीला और एक का नाम है कुछ भी, इसका नाम है कुछ भी। ठीक है, तो मान लो ये दो लड़कियां हैं, इसने पार्टीशन किए हैं एन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया इंटरवल को, और जो सेकंड है उसने दो टू एन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और एक मैं हूं मैंने थ्री एन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो ये एन वाले के रिस्पेक्ट में बाकी सारी क्या हुई रिफाइनमेंट हुई, मतलब और ज्यादा पीसीज में ब्रेक कर दिया, तो और ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट आएंगे ऐसा हमें कहना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता मैं बताऊंगा, क्योंकि एन को एट द एंड ऑफ इंफिनिटी ही अप्रोच करा देते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अब बात सुनो, ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, हमें जितना भी करना था अब इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, रिमान सम समझ आ गया सबको, रिमान इंटीग्रल पता लग गया होगा कि क्या करना है, रिमान सम का ही सारा खेल है पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में रिमान सम का खेल है। ठीक है, अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो, बाकी वो थ्योरम से मेन क्वेश्चन आएंगे, वो थ्योरम्स मैं तुम्हें अभी अभी लिखवाऊंगा। यहां तक बात क्लियर होगी होगी तुम्हें। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो तुमसे कभी कोई भी पूछे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। याद करो, ये मैं कोई न्यू चीज नहीं बता रहा हूं, डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता था, तो तुम कहते थे कि वो क्या है, वो डिफरेंशियबल फंक्शन, तुम यही कहते थे। यहां पे क्या होगा, अगर अपर रिमान इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रिमान इंटीग्रल है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, लिख लो यहां पे, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। इसको एक और चीज कहते हैं, इसको कहते हैं डारबॉक्स थ्योरम, स्पेलिंग देख लेना यार जो भी हुए, डारबॉक्स थ्योरम। मतलब इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन कहां से आती है, डारबॉक्स थ्योरम से, जो कि कहती है कि अगर ये दो इंटीग्रल्स इक्वल हो जाते हैं आपस में तो वो इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। तो ये ध्यान से लिख लो, और अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है बहुत सारे इंतजार के बाद। अब ध्यान से देखो, एक फंक्शन हमारे पास डिफाइन है, मान लो के, ऐसा डिफाइन है फंक्शन, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये इंटीग्रेबल है ऑन 0 to 1। 0 to 1 में ये क्या है, इंटीग्रेबल है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन वैसे भी इंटीग्रेबल होते हैं, मैं तुम्हें ये प्रूफ भी करके दिखाता हूं। देखो क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें एक पार्टीशन चूज करनी होती है। पार्टीशन अब तुम्हें पता है कैसे निकालेंगे, पहले डेल्टा एक्स आई निकालो, कैसे निकालते हैं मैंने तुम्हें अभी अभी ट्रिक बताई थी, 0 - 1 - 0 - 1 / n। अब इसमें 0 में ऐड करते रहो, 0 + 1/n जो कि 1/n ही होता है, 1/n, फिर 2/n अप टू सोन n/n विच इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है भाई, यहां तक हमें क्लियर हो गया। आगे सुनो, पार्टीशन हो गई, डेल्टा एक्स आई आ गया, स्मॉल एम आई निकाल लेते,
स्मॉल एमआई निकाल लेते, स्मॉल एमआई क्या आएगा खुद सोच के देखो, अगर हमने ये वैल्यू इस फंक्शन में डाल दी तो हमारे पास स्मॉल एमआई आ जाएगा, मतलब ऐसी वैल्यू। सो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ये वैल्यू इसमें इंटरवल में डाल दूं, ये वैल्यू इस इंटरवल में डाल दूं तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन कहां पर डालने आ रही, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कोई एक्स यहां पर दिख ही नहीं रहा जो मैं इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दूं, तुम एक्स की वैल्यू इसमें कब पुट करोगे जब इसमें एक्स हो, इसमें तो ही नहीं, तो स्मॉल एमआई क्या आ जाएगा के, लेकिन कैपिटल एमआई क्या आ जाएगा, ये भी के ही आएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है, तो इसमें स्मॉल एमआई और कैपिटल एमआई दोनों सेम ही आने वाले। हाँ यार ये भी हमें समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्वेश्चन इजी हो गया, स्मॉल एमआई कैपिटल एमआई मिल गया। अब क्या निकालना है, अपर रिमान सम, अपर रिमान सम इसको लिखते कैसे है, इसको ऐसे लिखते हैं यू पी एफ विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ, क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ कैपिटल एमआई इंटू डेल्टा एक्स आई विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल एमआई, कैपिटल एमआई है के, ध्यान से देखना जॉब मैं करने वाला हूं, इंटू डेल्टा एक्स आई, ध्यान से देखना, अगर के तो कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा एक्स आई, छोटे छोटे डेल्टा एक्स आई मैंने प्लस कर दिए, ये पार्टीशन है इसका, ये इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, सबके डिफरेंस प्लस कर दिए तो क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगी इंटरवल की। सो दिस रिप्रेजेंट्स, ये अलग से नोट में भी लिख लेना, इसको बॉक्स बना के ना अलग से नोट में भी लिख लेना, दिस रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल, ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द इंटरवल, कितनी आ जाएगी लेंथ ऑफ द इंटरवल, ये आ जाएगी के टाइम्स लेंथ ऑफ द इंटरवल, क्या होती है वन माइनस सी वन, तो क्या आ जाएगा कि ऐसे ही अपर रिमान सम आ गया, लोअर रिमान सम भी क्या आएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सेम ही आएगा के टाइम्स दिस और के यहां पे बाहर आ जाएगा सेम, तो ये भी के बन जाएगा। अब अपर रिमान इंटीग्रल निकाल लेते हैं, अब तुम्हें पता लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी कहां कराओगे, कहां कराओगे, कोई नहीं पाएगी क्योंकि यहां पे कोई एन ही नहीं, तो इसलिए हम सिंपल सिंपल क्या कर देंगे, यहां पे सिंपली लिख देंगे कि अपर रिमान इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रिमान इंटीग्रल इज इक्वल टू के, दैट इज इट, दैट इज द आंसर। सो यहां तक सबको समझ आ गया। अब मान लो इसकी जगह एक जनरल क्वेश्चन होता जिसमें लिमिट कुछ ऐसी नहीं दी होती, मान लो लिमिट दी होती ए टू बी, मान लो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया ए टू बी, क्योंकि मैंने देखा एग्जाम में, मेरे को अब एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा, तो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बना सकते, घुमा के यहां पे ए बी दे देते, तो आंसर पता क्या था, आंसर में क्या चेंज आता, अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम, यहां आ जाता बी माइनस में, दैट्स इट। अरे यही तो किया हमने अभी, वन माइनस जीरो ही तो किया, दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ जाता। बात समझ में आ गई। अब आते हैं, मैंने सारा कुछ बता दिया तुम्हें, अब आते हैं रिमान डिरिचले फंक्शन। डिरिचले फंक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक ऐसा फंक्शन है जो कि नोवेयर कॉन्टिन्यूस होता है। व्हाट आई सेड, नोवेयर कॉन्टिन्यूस, नोवेयर कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे वो कॉन्टिन्यूस हो। तो ऐसे फंक्शन कौन से होते हैं मैं दिखाता हूं तुम्हें, उसकी एक वेराइटी नहीं है, बहुत सारी वेराइटीज हो सकती है, कितनी टाइप की वेराइटी होती है वो सब मैं तुम्हें लिख पाता हूं। देखो कभी भी तुम्हें ऐसा फंक्शन दिख जाए एफ एक्स इज इक्वल टू वन जीरो, ठीक है सारी वेराइटी लिखाऊंगा डोंट वरी एट ऑल, अगर एक्स है रैशनल तो वन है, अगर एक्स है इरेशनल तो वो जीरो है, अगर एक्स रैशनल है तो वो वन है, एक्स इरेशनल है तो वो जीरो है। बात समझ में आ गई यार, इन फंक्शंस को क्या कहते हैं, नोवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इनको कहते हैं नोवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मैं इसका प्रूफ भी कराने वाला हूं रिमान इंटीग्रल से कि रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन कभी भी नहीं होता, दीज आर नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन, नॉट इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल ये इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं होते हैं, इनकी और वैरायटी लिखवा दो, कभी भी एग्जाम में दिखे तो सीधा नॉट इंटीग्रेबल पर टिक लगा देना, माइनस वन वन कंडीशन यही है, या फिर कंडीशन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं रैशनल आर माइनस रैशनल, ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू रैशनल तो ये माइनस वन होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस रैशनल तो ये होगा, ऐसी वेराइटी आ सकती है। मान लो तुम्हारे पास ऐसी भी आ सकता है क्वेश्चन कि एक्स माइनस एक्स, ठीक है रैशनल इरेशनल, जरूरी नहीं हमेशा रैशनल इरेशनल हो, यहां पर तुम्हें इंटीजर नॉन इंटीजर दे सकते हैं, ठीक है इंटीजर नॉन इंटीजर दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी डिरिचले फंक्शन के बीच में। बात समझ में आ गई। डिरिचले फंक्शन कंप्लीट होगा, मैं छोटा सा इसका प्रूफ है वो भी करा देता हूं। देखो डिरिचले फंक्शन में
इसमें अगर तुम ध्यान से देखो ना, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस तुम एक बार एक चीज देख लो कि यहाँ पे कैपिटल एमआई क्या आएगा। कैपिटल एमआई इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1। स्मॉल एमआई क्या आएगा? स्मॉल एमआई आएगा 0। मानो इंटरवल ए से बी दे रखा, जनरल लेके चलते हैं, वो तो क्यों 1010010 लेके चलना बार बार। कैपिटल एमआई 1 आ जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि वही दिख रही है। स्मॉल एमआई क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू वही दिख रही है। तो ऐसे अपर रिमाइंडिंग सम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा समेशन कैपिटल एम आई इंटू विद डेल्टा एक्स आई। तो वो क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स आई विच इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या? बी माइनस ए। तो क्या आ जाएगा? बी माइनस, दैट्स इट। ओके, लोअर रिमान सम क्या आ जाएगा? लोअर रिमान सम आ जाएगा समेशन 0 into डेल्टा एक्स आई, 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 into बी माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। अपर रिमान सम, अपर रिमान इंटीग्रल क्या आ जाएगा? अपर रिमान इंटीग्रल आ जाएगा बी माइनस ए, और लोअर रिमान इंटीग्रल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0। क्या दोनों इक्वल आए? नहीं आए, तो इंटीग्रेबल है ही नहीं। देखो इतना छोटा सा प्रूफ था, प्रूफ कराने में भी देर नहीं लगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी तुम्हें करना आना चाहिए। एक और वैरायटी का क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूं, जस्ट इसके बाद फिर थ्योरम्स पे आएंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट। होगा रिमान इंटीग्रल, ये क्वेश्चन समझ आया कि कभी भी तुम्हें रिमान, कभी भी तुम्हें डिरिचलेट फंक्शन दिख जाए तो वो डिरिचलेट फंक्शन कभी भी इंटीग्रेबल नहीं होता। अब तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। बताना कि ये डिरिचलेट फंक्शन है या नहीं। अगर है तो डिरिचलेट फंक्शन है तो इंटीग्रेबल होगा ही नहीं, बट रीजन के साथ बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर ये इंटीग्रेबल, अगर ये डिरिचलेट फंक्शन नहीं है तो मुझे बताना, मुझे बताना कि ये फंक्शन का रिमान इंटीग्रल क्या है, ठीक है, अपर और लोअर रिमान इंटीग्रल क्या है। एक क्वेश्चन दे देना, एक और दे देता हूं, थोड़ा सा माइंड यूज करना, तुम्हारी एग्जाम में हेल्प करेंगे ये चीजें। मान लो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ये बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। इस क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ मेरे को इतना बताना है कि ये रिमान डिरिचलेट फंक्शन है या नहीं। भैया डिरिचलेट फंक्शन की ना ऑलमोस्ट पीएचडी कर ली हमने इसमें। डिरिचलेट फंक्शन का अगर तुम ग्राफ भी देखना चाहोगे ना, उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे आता है इसका ग्राफ, कहीं पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है यार, कहीं पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है ये ग्राफ, ऐसे फंक्शन होता है इसका, एक भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, हर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ है। तो कभी भी तुम्हें कोई एग्जांपल पूछे, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज नोवेयर कॉन्टिन्यूस, डिरिचलेट फंक्शन, ठीक है। यहां पर स्पेलिंग भी एक बार मैं लिख देता हूं, डिरिचलेट फंक्शन, इसको ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो ये सिंपल इंटीग्रेशन से भी हो सकता है, बट फिर भी मैं एक बार तुम्हें बताना चाहूंगा। एक फंक्शन गिवन है 3x+1, मान लो ये फंक्शन गिवन है तुम्हारे सामने 3x+1। इस फंक्शन का मैं अपर और लोअर रिमान इंटीग्रल निकालना है, इसमें थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, अब सारा प्रोसीजर यूज होगा इसमें। इसमें इंटरवल मान लो तुम्हें गिवन है 1 to 2, थोड़ा इंटरवल भी अच्छा ले लेते हैं यार, अगर क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो 1 to 2 ले लेते हैं इंटरवल। अगर तुम सिंपल देखना चाहो इसकी इंटीग्रेशन तो क्या आएगी, 3x+1 1 से 2 तक, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3x² / 2+x 1 to 2, और कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4, और अरे करके देख लेते हैं, 12 2+2 माइनस 1 डालेंगे तो 3/2 - 1, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 और 2 8 माइनस में 5/2 विच इज इक्वल टू 11/2 11/2 हमारे पास आ गया, आंसर देखते हैं 11/2 ही आना चाहिए। लेकिन ये 11/2 यहां से तो आ गया, क्या ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, हमें क्या पता इंटीग्रेबल फंक्शन है कि नहीं, तो इसलिए हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये इंटीग्रेबल फंक्शन है या नहीं। हमने इंटीग्रेशन तो कर दी, इंटीग्रेशन तो कर दी, आंसर भी आ गया, तो क्या ये, अगर ऑप्शन में तुम्हें चार ऑप्शन में दिया था 11/2, 11/3, 11/4 और लास्ट में दिया होता नॉट इंटीग्रेबल, तो हमें कैसे पता भाई ये इंटीग्रेबल है कि नहीं, हमने तो सीधी सीधी इंटीग्रेशन उठा के कर दी। तो पहले इसके लिए देखना भी होगा कि इंटीग्रेबल है या नहीं इंटीग्रेबल। वैसे पॉलिनोमियल है इंटीग्रेबल होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होते हैं हमेशा। तो एक चीज यहां पर यह भी लिख लेना कि पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज इंटीग्रेबल, पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज इंटीग्रेबल फंक्शन, देखने की जरूरत नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन कर देना, कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे कभी कभी। तो अब ध्यान से देखोगे तो यहां से पार्टीशन क्या आ जाएगा, इसका पार्टीशन हमें पता है 1, और वो ट्रिक यूज करेंगे 2 - 1/1 2 - 1/n तो 1/n,
तो 1 प्लस 1 बाय एन अप टू सो ऑन 1 प्लस एन बाय एन। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें अगर स्मॉल इंटरवल की निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा स्मॉल इंटरवल 1 प्लस आई माइनस 1 बाय एन। बात समझ में आ गई, ध्यान से करना बड़ी। और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस आई बाय एन, ठीक है। यहां से स्मॉल एम आई क्या आ जाएगा, स्मॉल एम आई का मतलब होता है ये पहले वाली वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर दो, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। बात समझ में आ गई। कैपिटल एम आई क्या आ जाएगा, 3 1 प्लस आई अपॉन एन प्लस 1, दैट्स इट। हो गया, बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया। ये निकाल दिया तो अब कुछ भी नहीं रहेगा, अब तो समेशन करना है। समेशन अपर रिमान सम क्या आ जाएगा, ये विच इज इक्वल टू 3 प्लस में 1 प्लस आई बाय एन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस में 3 आई बाय एन। ठीक लिख रहा हूं मैं, 4 प्लस में 3 आई बाय एन इंटू में 1 बाय एन। ये 1 बाय एन कहां से है, ये डेल्टा एक्स है, लेंथ ऑफ द इंटरवल डिवाइडेड बाय एन। बात समझ में आ गई। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में समेशन 4, 4 भी वैसे बाहर ही आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा समेशन 3 बाय एन स्क्वायर बाहर समेशन ऑफ आई। इसका समेशन क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा एन, क्योंकि खाली समेशन है, कॉन्स्टेंट तो बाहर ही आ जाता है, तो ये बन जाएगा 4n। और इसका क्या बन जाएगा, 3 अपॉन में एन स्क्वायर, और यहां पे बन जाएगा आई का समेशन क्या होता है, वैसे एन एन प्लस 1 बाय 2 सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो यहां पे आ जाएगा एन एन प्लस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो गया, बचा 4। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, और यहां पे आ जाएगा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे रह जाएगा 1 बाय एन, तो ये बन जाएगा 3 बाय 2 एन अपॉन में 3 बाय 2 एन, ये बन जाएगा। अब खुद करके देख लेना, ये आ जाएगा 11 अपॉन 2 प्लस में 3 बाय 2 एन। बस हमें ऑलमोस्ट पता चल ही गया ना, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, यहां से पता चल गया कि इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबिलिटी यहां से निकाल लिया, आंसर यहां से निकाल लिया, शॉर्ट ट्रिक, हम तो ऐसे ही कराते हैं। यहां से तुम्हें पता लग गया इंटीग्रेबल है, क्यों, क्योंकि यहां पे फाइनाइट वैल्यू दिखेगी, अभी तुम्हें दिखेगी, देखना। एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये तो खत्म ही हो जाएगा, पार्ट जीरो हो जाएगा, बचेगा 11 बाय 2। यहां भी क्या रखा, 11 बाय 2, शॉर्ट ट्रिक है ये करने की, पहले सिंपल निकाल लो फिर ये निकाल लो, दोनों मैच हो गए तो आंसर, ठीक है। बट तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब मैं अपर रिमान सम, अपर रिमान इंटीग्रल निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ डी एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 11 अपॉन 2 प्लस में 3 अपॉन में 2 एन विच इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, इंफिनिटी रखेंगे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो 11 बाय 2 आंसर। ऐसे अगर जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे और तुम लोअर रिमान इंटीग्रल निकालोगे तब भी क्या आने वाला है, तब भी तुम्हारे पास क्या आएगा, 11 बाय 2 ही आएगा। उसको भी करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं वो भी करके दिखाने वाला हूं, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कंप्लीट करके दिखाऊं। ये आ जाएगा स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, तो ये बन जाएगा 1 प्लस सॉरी 3 आ जाएगा यहां पे, तो ये बन जाएगा अगेन 4, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आई बाय एन माइनस 3 बाय एन, ये पूरा तामझाम बन जाएगा, देख लो, ये बन जाएगा 4, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, तो ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसमें से समेशन तो आई पे है, तो बाकी सारा बाहर ले आओ, ये बन जाएगा 4n, समेशन 4 पे लगेगा, 4 के साथ कुछ नहीं है, तो n बन जाएगा, प्लस में 3 बाय n इंटू में समेशन आई माइनस में 3 बाय n, खाली समेशन रह जाएगा जिसका आंसर होता है n, खाली समेशन का आंसर होता है n, अगर समेशन पे लिमिट्स लो i इज इक्वल टू 1 टू n, लिख लो इसे साइड पे, इसका आंसर अप्रोचेस टू नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा, ठीक है। आगे सुनो, 4n प्लस में ये क्या बन जाएगा, 3 बाय n, ये बन जाएगा n n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस में 3, माइनस में क्या आ जाएगा 3, यहां पे कुछ मिस्टेक किया है ना, अरे बाहर n 1 बाय n रहेगा, बाहर क्या रहेगा 1 बाय n, एक बाहर भी 1 बाय n था, ठीक है, यहां भी 1 बाय n आ जाएगा n स्क्वायर, यहां पे भी 1 बाय n आना चाहिए, तो 1 बाय, थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया मैंने यहां पे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, तुम मत करना ये मिस्टेक। ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा n स्क्वायर, और बाकी सही है, तो ये बन जाएगा 4 प्लस में 3 बाय 2
एन स्क्वायर से एन स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा और दोबारा वही चीज बन जाएगी जो अभी हमने की थी, 3/2n-3/n विच इज इक्वल टू 11/2 और ये 3/2n-3/n एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये 11/2 को अप्रोच करेगा तो लोअर रिमान सम भी क्या आ जाएगा, लोअर रिमान सम भी आ जाएगा 11/2 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये दोनों जीरो को अप्रोच करेंगे, दोनों इक्वल भी आ गए, देख रहे हो दोनों इक्वल भी आ गए और दोनों एक फाइनाइट वैल्यू भी दे रहे हैं, तो क्या होगा इंटीग्रेबल भी होगा, आंसर भी आ गया 11/2। सो दिस इज ऑल अबाउट रिमान इंटीग्रल, बिल्कुल सारा कुछ मैंने बता दिया तुम्हें रिमान इंटीग्रल के बारे में। अब मैं थोड़ी सी और चीजें इस पर डिस्कस करना चाहूंगा, सारी वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए तुम्हें मैंने, कॉन्स्टेंट फंक्शन करा दिया तुम्हें मैंने, वेरिएबल फंक्शन करा दिया, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में उसका आंसर क्या है। एक्स स्क्वायर मान लो ये वाला फंक्शन मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, तो इसको करके बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और एक और क्वेश्चन दे दूं क्या, चलो ठीक है एक और क्वेश्चन दे दे, तो एक तो ये क्वेश्चन करना है दोनों के इंटरवल भी मैं बताने वाला हूं, इंटरवल 1-2, एक क्वेश्चन तुम ये करना एक्स अपॉन में 1+x, ये दो क्वेश्चन मेरे को करके आंसर बताना है इसका, सेम इंटरवल पे चेक करना है, बताना इंटीग्रेबल फंक्शन है या नहीं है। यहां पर क्लियर होगी चीजें, आगे सुनो। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है जो कि डिफरेंशियबिलिटी से बिल्कुल अलग है, कोई लेना देना नहीं है डिफरेंशियबिलिटी से, वो ये है कि कभी भी हमारे पास इंटीग्रेबिलिटी में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज अलाउड होती है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज आर अलाउड बट कंडीशन भी है, बट दे मस्ट हैव ओनली वन लिमिट पॉइंट, क्या होना चाहिए ओनली वन लिमिट पॉइंट। अभी एग्जाम्पल कराऊंगा डोंट वरी एट ऑल, ये चीज नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें दो तीन स्टार बना लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज अलाउ होती है लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनो एक क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन है 1-1r-1, अगर मुझे क्वेश्चन अच्छी तरह याद है, किसी एग्जाम में आया भी हुआ है, एग्जैक्टली नहीं पता किस एग्जाम में है, 1/r-1 से लेके 1/r-1। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ना ऐसे था कुछ, अब याद आ गया मुझे, एक्स ऐसे ये था क्वेश्चन, एक्चुअल में ये था क्वेश्चन, अब मुझे याद आ चुका है। सो इसमें अब हमें ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन में तुम्हें फंसाया जा सकता है बाय एग्जामिनर, क्यों कैसे देखो। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी, क्लोज और बाउंडेड, जो कि मैं बता चुका हूं तुम्हें। इसमें ना एक चीज ध्यान देना कि इसमें नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज कितनी है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, वो चेक करनी है। अब मैं ये फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिखने वाला हूं डिफरेंट इंटरवल्स के लिए, ध्यान से देखना। पहले मैं इसमें 1 पुट कर देता हूं, 1 पुट करूंगा तो -1^0 विच इज इक्वल टू 1, 1 आ रही किसके लिए, 1/2 से लेके 1 तक ये वैल्यू आ रही। फिर -1 आएगी कहां से कहां तक, 1/3 से लेके 1/2 तक। फिर 1 आएगी 1/4 से लेके कहां तक, 1/3 तक। ये तो बात समझ आ रही है, मतलब इस 1/3 पे दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही, मतलब इस 1/3 पे सॉरी क्या हो रहा है, इस 1/3 पे तो डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही, बात समझ में आ रही है। मतलब यहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट कौन कौन से हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सोन। क्या इसका कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, किसको अप्रोच कर रही है जाके, ये अप्रोच कर रही है जीरो को, मतलब मेरा क्या है, अच्छा ये तो हमें समझ आ गई, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ये सारे 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सोन, अप्रोच किसको करेंगे जीरो को। अभी अभी मैंने कंडीशन क्या लिखवाई, नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज अलाउड है फाइनाइट, लेकिन वो उसका क्या होना चाहिए, एक ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए, देखो ये रहा एक ही लिमिट पॉइंट जीरो, तो मतलब हम इसे कर सकते हैं, क्वेश्चन इंटीग्रेबल है, हम इसे सेफली कर सकते हैं। कैसे करें अब ध्यान से वो देख लो, बस अब तो कुछ भी नहीं रहेगा क्वेश्चन के अंदर, ऐसे देख लो इसे, इसकी इंटीग्रेबिलिटी कैसे निकालेंगे। सबसे पहला क्या आ जाएगा, 1/2 से 1 dx, फिर दूसरा क्या आ जाएगा, 1/3 -1 dx, प्लस में +1, 1/4, 1/3 dx अप टू सोन,
लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/(n+1)/(n-1)^(n-1)dx। आंसर इसको सॉल्व तो कर लोगे ना यार, ये आ जाएगा 1-1/2, ये आ जाएगा 1/2-1/3, ये आ जाएगा 1/3-1/4। अब तो सॉल्व सिंपल जीपी बनेगी उसे सॉल्व कर, सॉरी एपी बनेगी उसे सॉल्व कर, वो नहीं मैं कराने वाला। देखो ये छोटी छोटी चीजें नहीं कराऊंगा, जैम लेवल के हो गए खुद करना तुम्हें। आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आगे, 4-5 क्वेश्चन के आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में करने, एक साथ आराम से सॉल्व करना, वन शॉट वीडियो है, आराम से इसको बैठ के सॉल्व करना। ये नहीं कि मैं खुद ऐसे ही कुछ भी वीडियो बना के जाने वाला हूं, तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा। अच्छे अच्छे यहां तक समझ आ गए, चलो आगे सुनो एक और क्वेश्चन है ऐसे ही। सो ऐसे एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले आ चुका है, पूछा जा चुका है। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि यहां पे गिवन था 1/2n और इसका था 1+। सो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, यहां से यहां। तो ये क्वेश्चन है f 0 पे 0 बताया हुआ है हमें। सो ये क्वेश्चन हमें प्रूव करके दिखाना है ये 0 से लेके 1 तक क्या है, इंटीग्रेबल है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2/3। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज अगेन आने वाले इन इन पॉइंट्स पे। सो इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या आएंगे, 1/2 यहां पे आएंगी, 1/2² 1/2³ अप टू सोन। लास्ट हमें पता है कि जीरो को अप्रोच करेगा तो फाइनाइट लिमिट पॉइंट आ गया, एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है। अगर लिमिट पॉइंट एक आ रहा तो इंटीग्रेबल तो होगा, बस इसकी वैल्यू निकाल के दिखा दो। मैंने तुम्हें हाफ क्वेश्चन तो ऐसे ही बता दिया, इंटीग्रेबल तो है फंक्शन। एग्जाम में ट्रिक बता दी मैंने तुम्हें, एक ये ट्रिक होती है छोटी सी इंटीग्रेबिलिटी चेक करने की। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है तो फंक्शन मेरा क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। उस चीज को ध्यान रखना, तुम्हें दिमाग में डाल के रखना। अब मैं तुम्हें कराने वाला हूं मेन थ्योरम्स, तो मैं तुम्हारा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जितनी पॉसिबल है इस बोर्ड पे थ्योरम लिखनी मैं लिखता हूं। सो अब हम करने वाले हैं ये थ्योरम्स, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, ये ना वैसे 22 थ्योरम्स है लेकिन मैंने इसको रिड्यूस करके इन 10 थ्योरम्स में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअल में 22 थ्योरम्स हैं, तो मैं इतना ज्यादा नहीं करवाना चाहता था कि तुम्हें भी याद लर्न करने में बहुत ज्यादा डर लगे, और एक्चुअल में इन्हें लर्न नहीं करना है, ठीक है। मेमोराइज कर लोगे तो हमारे मार्क्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट थ्योरम एग्जाम में देखने मिलेगी, गेट जैसे एग्जाम्स में थ्योरम डायरेक्ट आती है, पता तुम्हें, इसलिए थ्योरम्स को डायरेक्ट रट लेना। मैं कह रहा हूं इनको तो रट लो, रट लो, रट लो। एक चीज देखो, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक चीज जो बताऊं मैं, पूरे रिमान इंटीग्रल में से अगर तुम पूरा ऐसे निचोड़ दो तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा, ये जो मैंने यहां पे लिखवाया, ये चीज जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई हुई है। इसका मतलब है कि अगर तुम सिंपल एम बी माइनस ले ले तो स्मॉल, वो सबसे छोटी चीज होती है, क्योंकि ये स्मॉल एम क्या है, इनफीमो, इसमें बी माइनस मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल एड करते, ये सबसे छोटी, उससे बड़ा क्या होता है, लोअर रिमान सम, लोअर रिमान इंटीग्रल, अपर रिमान इंटीग्रल, अपर रिमान सम, अपर सॉरी सुप्रीमम टाइम्स लेंथ ऑफ द इंटरवल। भैया इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी दो तुम्हें दे देंगे, ये और मान लो ये तुम्हें दे देंगे, कहेंगे बताओ इसमें इनइक्वालिटी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, यहां फंसा देंगे वो तुम्हें। अगर यहां फंसा देंगे तो तुम्हारे से क्वेश्चन नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी, अगर तुमने लर्न नहीं की तो। एक ही तो लाइन है, लर्न कर लेना, बात समझ में आ गई, आगे सुनो। अगर कोई भी ये सारी थ्योरम्स डिस्कस करते हैं, अगर मान लो तुम एक फंक्शन डिफाइन है ए बी से आर तक, मतलब अगर तुम ऐसे समझ लो, एक तुम्हारे पास इंटरवल है ए बी, एक तुम्हारे पास लाइन सेगमेंट है ए से लेके बी तक, और एक तुम्हारे पास रियल लाइन है, बीच में एक फंक्शन है, ठीक है, तुम इसमें से कोई भी वैल्यू उठाओगे, वो फंक्शन में डालोगे तो वो फंक्शन तुम्हें इस रियल लाइन पर कोई वैल्यू दे देगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता था कि मैपिंग क्या होती है, ये होती है मैपिंग, कि तुम इस इंटरवल में से कोई वैल्यू उठा के फंक्शन को दो, फंक्शन तुम्हें वैल्यू देगा जो रियल लाइन पे आएगी, क्या वैल्यू होगी पता नहीं, वो डिपेंड करेगा फंक्शन पे, बात समझ पाओगे। हाँ अब यहां पर आ जाओ वापिस, एक फंक्शन ऐसे डिफाइन है, तो अगर तुम्हें ये सारी राइटिंग नहीं समझ आ रही, जो कि ऑब्वियस है, मेरे को भी थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही, लेकिन मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा, वैसे मैंने लिखा है। फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, तो ये इंटरवल हो इंटीग्रेबल हो सकता है। अब मैं बोल रहा हूं तो ध्यान से लिख लेना साथ साथ, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर ये फंक्शन बाउंडेड है तो वह इंटीग्रेबल हो सकता है, ये नहीं मैंने कहा होगा ही होगा, हो सकता है, कब, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, वेयर एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर नंबर, बात समझ पा गई, ये चीज को ध्यान रखेंगे हम। बाउंडेड
इंटीग्रेबल कब होगा, बाउंडेड है इंटीग्रेबल कब होगा, जब ये कंडीशन होगी। सेकंड सुनो, एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है तो वो इंटीग्रेबल होगा, मैंने मान लिया इंटीग्रेबल है, मान लो एक फंक्शन है मान लो ऐसे, वो इंटीग्रेबल हमेशा होगा, कन्वर्स क्यों नहीं हो सकता। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आर इंटीग्रेबल, दैट इज ओके, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि ऐसे फंक्शन भी इंटीग्रेबल होते हैं जिनमें फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हो, अभी एग्जांपल कराया था इससे पहले, तो कन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज उनका एक ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ये मैं बता चुका हूं, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन चुका भैया, जैम में तो कई बार बन चुका है। नेक्स्ट सुनो, मोनोटोन फंक्शन हमेशा इंटीग्रेबल होता है, मोनोटोन फंक्शन हमेशा इंटीग्रेबल होता है, चीज को ध्यान रखना, डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रख लो, मोनोटोन आर ऑलवेज इंटीग्रेबल। ये देखो मैंने पांच छह स्टेटमेंट एक साथ लिखवाई है, क्या भी है, एफ अगर दो फंक्शन की मैंने दोनों इंटीग्रेबल है इंडिविजुअली, एफ भी इंटीग्रेबल जी भी इंटीग्रेबल, तो एफ प्लस जी भी इंटीग्रेबल होता है, एफ इंटू जी भी इंटीग्रेबल होगा, एफ स्क्वायर भी इंटीग्रेबल होगा, इनको अलग अलग पॉइंट में लिख लेना तुम, ठीक है। एफ डिवाइडेड बाय जी भी होगा, कंडीशन जी मस्ट बी ग्रेटर देन, जी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो के इक्वल होगा तो डाइवर्ज हो जाएगा ना, इसलिए। लास्ट सुनो, मोड ऑफ एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, सॉरी इंटीग्रेबल, कंडीशन ये है, अगर एफ इंटीग्रेबल है, एफ अगर इंटीग्रेबल है तो मोड ऑफ एफ इंटीग्रेबल होगा, बस कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता, कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना, ठीक है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन बना हुआ है और बनने के चांसेस भी है। एफ इंटीग्रेबल है तो मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एफ कंटिन्यूस होता है लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होने वाला। अगर सी एक फंक्शन, सी एक पॉइंट है जो कि उसी इंटरवल में लाई कर रहा है ए बी में, और f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो अगर मैं उसी इंटरवल को दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, a से c तक, c से b तक, तो वो यहां पे भी कॉन्टिन्यूस, सॉरी इंटीग्रेबल होगा, यहां भी इंटीग्रेबल होगा और यहां भी इंटीग्रेबल होगा, मतलब मैं उसी इंटरवल, उस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, a से c तक, c से b तक, इस सांप को दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, सांप सा है ना सिंपल, इसको दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, a से c तक, c से b तक, इस चीज को ध्यान रखना होगा, ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया। अगर एफ एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है, क्या है, एफ एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसमें एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रही है, देयर एग्जिस्ट का साइन होता है उल्टा ई, तो सी एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट, ये कंडीशन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी है ना डायरेक्ट पूछे होंगे, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे पता लग जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे होंगे। आगे आ जाओ, अगर मेरे को एक इंटीग्रेबल फंक्शन गिवन है सच दैट एफ जो है वो एक पॉजिटिव फंक्शन है, f ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जब उसकी इंटीग्रेशन करोगे तब भी वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा उसका आंसर। बात समझ में आ गई, जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो भी पॉजिटिव ही आने वाला। अगर एक ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, अगर एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, इफ f इज इंटीग्रेबल, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज लेस देन मोड ऑफ दैट फंक्शन, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछी हुई है। नेक्स्ट आ जाओ, ये थ्योरम है, पूरी थ्योरम कैसे आती है, तुम्हें इतना क्वेश्चन में दे देंगे, बाकी तुमसे ये पूछ लेंगे, ये इसके साथ नहीं है, ठीक है, तुम्हें इतनी स्टेटमेंट को एग्जाम में दे देंगे, ये पूछ लेंगे कि कौन सी ट्रू है, चार दे देंगे ऐसी ऐसी और पूछेंगे कौन सी ट्रू है, तो इसको एज इट इज लर्न कर लेना जैसे मैंने यहां पर लिखी है। बात समझ पा गए, आगे सुनो, अगर स्मॉल एफ एक्स फंक्शन है जो कि इंटीग्रेबल है और वो पोजेस करता है प्रिमिटिव फंक्शन, एक एफ एक्स फंक्शन एग्जिस्ट उसमें पोजेस करता है, तो क्या होगा, तो वो फंक्शन इसके इक्वल आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए के, एफ बी माइनस एफ ए के, ऑलमोस्ट यही इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दी बस दूसरी फॉर्म, इसीलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली स्टेटमेंट दो तरह से पूछी जा सकती है, इस स्टेटमेंट को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस होती है, बट ये दूसरी तरह से लिखी हुई है, ये दूसरी तरह से लिखी है, फर्क और कुछ भी नहीं। बात समझ में आ गई, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे और इन चीजों को बहुत अच्छी तरह रट लेंगे। अब मैं कराने वाला हूं क्वेश्चन, कुछ चार क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, उसके बाद तुम्हारा काम होगा सारा, मेरा काम यहां तक खत्म हो जाएगा चार क्वेश्चन कराने के बाद, वन शॉट वीडियो कंप्लीट मार दिया वो हमने शॉट जो मारना था वन शॉट, बाकी तुम्हारा काम होगा प्रैक्टिस का, ठीक है। सो मैं इसको रब करने वाला हूं और उसके बाद चार क्वेश्चन करते हैं। सो मैं चार तुम्हें क्वेश्चन कराने वाला हूं, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा, मैं यहां पर इससे देखने वाला हूं, तो इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू x मोड ऑफ x,
ये गिवन है फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन बी, बस इसने बता दिया ए लेस देन बी है, बाकी इसने कुछ भी नहीं बताया। और हमें फाइंड आउट करना है ए टू बी, ये भैया अच्छा क्वेश्चन है, पहले आ चुका है किसी एग्जाम में और दो तीन बार रिपीट हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है, अच्छी तरह कर लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। ए लेस देन बी है तो ध्यान से देखो, अगर ए लेस देन बी है तो इसमें तीन कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों के दोनों ना जीरो से बड़े, क्या है जीरो से बड़े, बात समझ पाएंगे, मतलब ए लेस देन बी तो ये किससे दोनों बड़े हैं, जीरो से बड़े, ये मैंने कंडीशन नहीं चेंज की, बी ए से बड़ा ही अभी भी, लेकिन ये दोनों भी जीरो से बड़े हैं। अगला सुनो, ऐसे भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, बात समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन सुनो, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है ए लेस देन बी बोथ आर लेस देन जीरो, बोथ आर लेस देन जीरो, तो ये कंडीशन बन सकती है, बात समझ में आ गई, ये कंडीशन बन सकती है। अब सुनो, अब कैसे होगा ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ऐसे होने वाला है, सिंपल इंटीग्रेशन करनी है अब हमें, दोनों क्योंकि जीरो से बड़े हैं तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स स्क्वायर डीएक्स, मैंने यहां पर मोड कहां हटा दिया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है यार, एक्स भी पॉजिटिव है, ये वाला एक्स भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए मोड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, बी क्यूब अपॉन थ्री माइनस ए क्यूब अपॉन थ्री, ये तो सिंपल सा हो गया यार, ये तो हो गया। अब ध्यान से सुनो दूसरा, दूसरे वाले में हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक नेगेटिव है, यहां से यहां तक पॉजिटिव है, तो ए से लेके जीरो तक ब्रेक करो, जिसमें आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर डीएक्स, और दूसरा आएगा पॉजिटिव आएगा, जीरो से बी तक एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये तो ये भी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना, पहला क्या आ जाएगा माइनस के जीरो का स्क्वायर, जीरो का क्यूब अपॉन में थ्री माइनस के ए का क्यूब अपॉन में थ्री, विच इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन थ्री प्लस में बी स्क्वायर बी क्यूब अपॉन थ्री, तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया कुछ बी स्क्वायर ए क्यूब अपॉन में थ्री प्लस बी क्यूब अपॉन में थ्री, सो यहां तक समझ आ गया। तीसरा सुनो, तीसरा हमारे पास आ जाएगा ए लेस देन बी विच इज लेस देन जीरो, मतलब ये तो दोनों ही नेगेटिव हो गए, इसका कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो है उसमें यहां पे क्या आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बाहर ले लो तो बी क्यूब अपॉन थ्री माइनस ए क्यूब अपॉन थ्री विच इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन थ्री प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब अपॉन थ्री, ये तो यार तीनों अलग अलग आंसर आ रहे, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो इसमें से ऑप्शन देखो, ऑप्शन कहां गए, कितने क्या क्वेश्चन, ये रहो। सो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, देखो अगर तुम ऑप्शन ए को अभी छोड़ दो उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ऑप्शन बी में देखोगे तो ऐसे तीन आंसर नहीं आ रहे यार अलग अलग, उसमें थोड़ा सा अलग आ रहा है, उसमें ऐसा पॉजिटिव वाला नहीं आ रहा। तीसरा देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो तो एक ही आ रहा है, ऐसा तो दो आंसर उसने नेग्लेक्ट कर दिए। तीसरा लास्ट आंसर देखो वो भी नहीं बन रहा, तो बचा कौन सा, एक आंसर, इसमें से हमें सारे के सारे मिल जाएंगे, बी क्यूब माइनस के ए क्यूब, ठीक है, ए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए हमें ये सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी, बात समझ पा गए, सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, इसने कहा हुआ है, स्क्रीन पर दिख जाएगा, पिक आउट द फंक्शन विच इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन जीरो टू वन। अब ध्यान से देखोगे फर्स्ट फंक्शन तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने डिरिचलेट फंक्शन पहले ही कराया, पहला दिख रहा होगा जीरो से वन रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल, तो इसमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कितनी हो गई, इसमें हो गई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पहले वाले में कितनी हो गई, पहले वाले में हो गई इंफाइनाइट, ऐसे लिखते हैं, पहले वाले में इंफाइनाइट दिख रही है, सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में दे रखा है वन टू जीरो, तो इसमें भी दे रखा है, लेकिन इसने कहा है कि ए वन ए टू ए थ्री अप टू सोन ए एन एंड पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, मतलब आंसर तो हमारा लगभग यही आने वाला है, बट बाकी भी चेक करते हैं। बाकी में इसने कहा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर इफ एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू एंड पी एंड क्यू आर पॉजिटिव एंड को प्राइम टू ईच अदर, इसमें भी इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटीज है, और लास्ट में इसने क्या कहा है, लास्ट नन ऑफ द अबव क्यू, नन ऑफ द अबव क्यू, ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज आ रही है, और यही क्या होगा, एक रिमान इंटीग्रेबल होगा, मैंने पहले ही बताया था फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज आनी चाहिए। बात यहां तक समझ आ गई, अगला सुनो, अगला क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, इंटीग्रल दिया हुआ है साइन एक्स, यहां पे लिखते हैं जीरो टू इंफिनिटी साइन एक्स डीएक्स, यही है क्वेश्चन, हाँ
इसने कहा हुआ है चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उस ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले से सॉल्व करते हैं। इसे ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिमिट जीरो टू बी साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल के लिए। ऐसा क्यों लिखा, बाद में अप्रोच करा देंगे बी को, तो ये आ जाएगा लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा कोस बी माइनस कोस जीरो विच इज इक्वल टू वन। अब ध्यान से देखो कि बी पे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटी पे तो ये कोस वाला डिफाइन ही नहीं होता, तो ये तो नॉट डिफाइन आ गया, नॉट डिफाइन आ गया। अगर ये नॉट डिफाइन आ गया इसका मतलब रिमान इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, रिमान इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका डज नॉट एग्जिस्ट। यहां तक समझ आ गया? सो ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस थे जिसे मेरे को कराना था, अच्छे क्वेश्चन है लास्ट वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, पहले आ भी चुके हैं और आने की और भी पॉसिबिलिटीज होती है इनमें, आते ही रहते हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो इनको अच्छी तरह कर लेंगे ये वाले क्वेश्चंस को। वो थ्योरम्स तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो डायरेक्ट थ्योरम तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वो थ्योरम्स भी करनी है, उससे पहले जो बेसिक बताया उसे भी करना, कंप्लीट वन शॉट में मैंने इतनी सी चीज भी नहीं छोड़ी, तुम कहीं से भी जाके देख लेना, किसी के भी नोट से देख लेना, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, तो ध्यान से देख लो और इसको समझ लो, इस पर बेस अप साथ ही क्वेश्चन कर लो, जितने तुम्हें क्वेश्चन कहीं से मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूं सीक्वेंस एंड सीरीज, कंप्लीट एक ही वीडियो में लाऊंगा, कंप्लीट इन्फाइनाइट सीरीज और इन्फाइनाइट सीक्वेंस के जितने पॉसिबल थ्योरम्स हैं, वो सारी की सारी थ्योरम्स वो सारे एक ही वीडियो में तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, टिल देन कीप लर्निंग, बी क्यूरियस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।